गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद रविंद्र कुमार पांडे ने मंगलवार को जैना मोड़ भुसरो बस स्टैंड के पास अलाव की व्यवस्था की। इस दौरान उन्होंने कहा कि गरीबों का कंबल है, वहीं बढ़ती ठंड और कनकनी को देखते हुए फुसरो बाजार के अन्य स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की जाएगी ताकि बस से उतरने वाले लोगों को ठंड से राहत मिल सके। गरीबों के लिए ही कंबल है और देर हुआ लेकिन जब तक की ठंड नहीं खत्म होगी इस स्थान पर अलावा जलते रहेगा, ये मसाल जलते रहेगा। गरीब आवें इसका लाभ ले में, स्टैंड है यहाँ, गरीब गुरुआ लोग चढ़ते हैं इस पर गाड़ी पर और हम लोग बस स्टैंड में भी शुरू करने जा रहे हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगा लकड़ी की हम लोग व्यवस्था कर लिए हैं और हमारे रविंद्र मिश्रा जी हैं, हमारे अध्यक्ष जी हैं, आर्य गणेश जी, सब लोग मिल करके और हम लोग इसको करवा रहे हैं ताकि आम जो गरीब गुरुआ है उनको राहत मिले, ये कहने का मतलब। आप सीसीएल से भी आदेश दिए हैं क्या कि जगह जगह लाल? वो हमने रविंद्र मिश्रा जी को कहा था कि आप इस पर बात कीजिए और जीएम को बोल के जहाँ जहाँ धौड़ा में जहाँ जहाँ झोपड़पट्टी है जहाँ जहाँ गरीब गुरुआ लोग रहते हैं वहाँ पर इसकी व्यवस्था कीजिए। आज अलाव की व्यवस्था के साथ साथ अच्छे विचार के साथ में शुरुआत किए हैं, साथ ही जीतन राम मांझी का ब्राह्मणों के प्रति एक बयान आया था उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, राम मांझी जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वर्तमान में विधायक हैं, एक दल को चलाते हैं वो, और जहाँ तक सवाल है ब्राह्मण के बारे में उन्होंने जो कहा है उतना ही हम कहना चाहेंगे कि उनको भगवान सद्बुद्धि देवे। जो कौम पूरे समाज को लेके चलता है और अनादि काल से चाहे सतयुग हो कलयुग हो, शुरू से ब्राह्मण में लोग भगवान का रूप देखते हैं, उनके बारे में ऐसा बयान दे के आप खुद पाप के भागी बन रहे हैं और मैं तो ईश्वर से मनाता हूँ आपको भगवान सद बुद्धि देवे, मैं इतना ही कहना चाहूँगा। इसके अलावा उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ दिए गए बयान पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, साथ ही कहा कि ब्राह्मण सभी जाति के लोगों को लेकर चलते हैं लेकिन जीतन राम मांझी फोटो मांग रहे हैं और ब्राह्मणों के खिलाफ अनर्गल बयान देकर अपनी मानसिकता को दर्शा रहे हैं, ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि दे। मौके पर बीएमएस से संबंध सीसीएल कोयलरी कर्मचारी संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार मिश्रा, युवा व्यवसायी संघ फुसरो के अध्यक्ष आर उनेश, भाजपा के ललन मल्ला सहित कई चालक मौजूद थे। रविंद्र पांडे ने जलाए अलाव, ठंड में हुई बढ़ोतरी। बेरमो से आनंद गिरी की रिपोर्ट।